से पहली दफ़ा मैंने खेला 2012 में, तो इंडिया की टीम भी वहाँ पे आई हुई थी, वो हमारे लेवल की टीम थी, इतनी अच्छी नहीं थी हमारे से, और आज 9-10 सालों के बाद वो ओलंपिक्स खेल रही है और हम उधर के उधर ही हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। पहले तो यकीन ही नहीं था कि इंडिया जो है जीतेगा इस तरह इतनी अच्छी टीम से जो कि इतने सालों से खेल रही है। मैं तो उनको मुबारकबाद दूंगी सबसे पहले, और दूसरी बात ये कि हमने तो क्वालिफाई नहीं ना किया। इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बड़ा अफसोस भी हो रहा है मुझे कि पाकिस्तान की टीम का नाम कहीं नजर ही नहीं आ रहा। आप देखें दूसरी ओलंपिक्स है और हम क्वालिफाई भी नहीं कर चुके, और ये बड़ा ही अफसोस का और बड़ा ही दुख वाला मकाम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। 41 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है, इंडिया ने जर्मनी को हॉकी में हरा कर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। बहुत टाइट मैच था, जर्मनी ने स्कोर किए 4 गोल जबकि इंडिया ने स्कोर किए 5 गोल, और इन द एंड इंडिया जीत गया। हॉकी पाकिस्तान का नेशनल गेम है लेकिन इंडिया बाजी मार गया है, इस पर हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, तो आइए चलिए हमारे साथ। अफशा, 41 सालों के बाद इंडिया ने जर्मनी को हरा कर हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, क्या कहेंगी आप इस पर? देखें, इसमें सबसे पहले तो आई थिंक इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंडिया उनका नेशनल गेम है हॉकी, और जैसे हमारी भी नेशनल गेम हॉकी है, तो वो अपनी नेशनल गेम को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं जैसे क्रिकेट को वो लेकर चल रहे हैं, बराबर हॉकी की लीग्स हो रही हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल प्लेयर आके खेल रहे हैं, इसी तरह से उनकी वुमेन्स हॉकी जो है वो हमारे लेवल पे थी। जैसे पहली दफ़ा मैंने खेला 2012 में, तो इंडिया की टीम भी वहाँ पे आई हुई थी, वो हमारे लेवल की टीम थी, इतनी अच्छी नहीं थी हमारे से, और आज 9-10 सालों के बाद वो ओलंपिक्स खेल रही है और हम उधर के उधर ही हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। पहले तो यकीन ही नहीं था कि इंडिया जो है जीतेगा इस तरह इतनी अच्छी टीम से जो कि इतने सालों से खेल रही है, और इंडिया ने पहली दफ़ा इस तरह ओलंपिक्स में गई है और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया, तो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि वो इस तरह ब्रॉन्ज मेडल हासिल करेंगी, पर उन्होंने किया, उन्होंने एंड तक अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने मुल्क के लिए जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, तो बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? मरियम हनीफ। मरियम क्या करती हैं? हॉकी खेलती हूँ। हॉकी खेलती हैं, मैच देखा था इंडिया और जर्मनी का? नहीं। क्यों, हॉकी खेलती और हॉकी का मैच ही नहीं देखा? इतना बड़ा मैच और इतना जबरदस्त मैच नहीं देखा? मेरे जहन में ये होता कि हम खेलें और लोग हमें देखें। जबरदस्त, ये भी अच्छा पॉइंट है कि हम खेलें और लोग हमें देखें। मुझे ये बताओ कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, 41 ईयर्स के बाद इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, क्या कहेंगी इस पर आप? मैं तो उनको मुबारकबाद दूंगी सबसे पहले, और दूसरी बात ये कि हमने तो क्वालिफाई नहीं ना किया, देन अगर हम करते तो आई गेस कि हम लोग इससे भी बेटर करते और कुछ अचीव करते अपने पाकिस्तान के लिए, कुछ बेटर करते, हम भी मेहनत करते, लेकिन बट ये कि हमें तो ट्राई करने का मौका ही नहीं ना मिला। अगर हम करते तो आई थिंक हम उनसे ज़्यादा बेस्ट कर सकते थे, तो मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान को नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक, इंडिया को भी। इस वक्त हमारे साथ हॉकी के इंटरनेशनल कोच दिलावर भट्टी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? बस थैंक्स गॉड, बिल्कुल ठीक। सर, इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है 41 सालों के बाद, छोटा अरसा नहीं है, बहुत बड़ा अरसा है, 41 सालों के बाद इंडिया ने हॉकी में जर्मनी को हरा कर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की? जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। इंडिया 41 ईयर तक इंडिया नज़र नहीं कहीं आ रहा था, लेकिन एकदम आया और ब्रॉन्ज मेडल लेके चला गया। इसमें काफ़ी एलिमेंट्स हैं कि उन्होंने अपना जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर था वो बहुत मजबूत किया था, फिर उन्होंने उसके साथ लीग शुरू करवा ली, वो जैसे क्रिकेट में IPL जो होते हैं इसी तरह उन्होंने हॉकी की शुरू करवाई, पैसा लगाया, बाहर से प्लेयर्स मंगवाए और कंटिन्यू रखा, उसका रिजल्ट आज सारी दुनिया देख रही है कि वो विक्ट्री स्टैंड पर है। उनकी बैड लक हुई है, मैं शुरू में तो यही लग रहा था कि वो गोल्ड ले जाएगी, लेकिन फिर भी उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो ब्रॉन्ज ले गई है। मुझे तो फिर भी खुशी है कि एशिया में हॉकी का कोई मेडल आया। वैसे उनके लिए तो खुशी की बात है, हमारे लिए दुख अफसोस की बात है कि हमारी टीम जो एक टेरर होती थी, बड़ा उसका होता था रोब और बहुत डरते थे सब उनसे, वो हमारी पाकिस्तान में वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकी, इसका बड़ा बहुत अफसोसनाक है। उनके लिए अच्छी होगी खबर, हमारे लिए तो बुरी खबर है। बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। आप देखें ना, एक वक्त था जब ये हॉकी पाकिस्तान का एक मेन गेम थी, हम भी बहुत शौक से देखते थे बचपन में, और जब ये मुकाबला इंडिया से होता था ये तो अरूज पकड़ जाता था, तो कि दो रिवाइवल आपस में जब टकराते थे मेन, हम शौक से सारा दिन मैं दो तीन घंटे का गेम वो देखते थे। इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बड़ा अफसोस भी हो रहा है मुझे कि पाकिस्तान की टीम का नाम कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। आप देखें दूसरी ओलंपिक्स है और हम क्वालिफाई भी नहीं कर चुके,
और ये बड़ा ही अफसोस का और बड़ा ही दुख वाला मुकाम है। आपने मैच देखा था कल का? मैंने सारे मैच देखे हैं और आज का जो मैच था फाइनल था बेल्जियम का और जो है वो उसका सॉरी ऑस्ट्रेलिया का, बहुत मज़ा आया देखने का। शूट आउट पर मैच किया और जाहिर एक चीज़ मिस करते हैं अपनी कंट्री को कि पाकिस्तान में पहले जैसे मेडल आए हैं कि हम लोगों ने वो नहीं देखे, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी टीम उस लेवल पे जाए, हम खेलें भी और हम देखें भी। कल का मैच सुनने में आ रहा है कि इंडिया और जर्मनी का बहुत टफ और टाइट मैच था, उसकी आपको कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिंग लगी? मुझे मेरे ख्याल में वो जो एक टीम वर्क था इंडिया का, जो नज़र आ रहा था जैसे एक टीम अपनी अपने मुल्क के लिए खेल रही है, वो चीज़ ने मुझे बहुत उस चीज़ से मैं इम्प्रेस हुई कि वो चीज़ें खोनी चाहिए एक टीम में, क्योंकि हॉकी एक टीम गेम है और जब तक आप एक टीम यूनिटी के साथ नहीं खेलोगे आप जीत नहीं सकते। मैच देखा? हाँ देखा था बीच बीच में से। तो मैच में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी, कहाँ पर लगा कि भाई इंडिया को टफ टाइम मिल रहा है तो इंडिया ने अब जर्मनी को टफ टाइम दिया? मैच इस तरह था कि कुछ भी हो सकता था। अच्छा। एक उधर गोल इस तरह मतलब मैच बहुत अच्छा गया था कि अटैक्स उनके भी थे और उनके भी अटैक्स थे और गोल बहुत अच्छे हुए थे। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, उसके बावजूद हम क्वालिफाइड भी नहीं कर पाए, क्या कमी रह गई हम में कि हम इतना पीछे रह गए अपनी नेशनल गेम में? दुख तो बहुत हुआ है कि इंडिया अगर क्वालिफाई कर सकता तो पाकिस्तान क्यों नहीं, तो ये बहुत बुरा लगा क्योंकि 2012 में आई थिंक सो लास्ट टाइम ओलंपिक्स में पाकिस्तान गया था, तब ओलंपिक्स में बहुत बड़ा बैच गया था पाकिस्तान की तरफ से, इस दफ़ा सिर्फ 9 प्लेयर्स गए हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। देखें बहुत सारी चीज़ों में गलतियां हैं हमारी, कुछ अपनी प्लेयर्स की भी हैं और कुछ इस तरह से हैं कि बच्चों का वो इंटरेस्ट नहीं है हॉकी में क्योंकि हॉकी को दिखाया नहीं जाता, एक तो वो वाली कवरेज नहीं मिल रही जैसे क्रिकेट को मिलती है और दूसरा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आप लड़कों में देख लें, हमारे वही प्लेयर्स इतने सालों से हमें नज़र आ रहे हैं और वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम नया टैलेंट ला नहीं सकते क्योंकि अगर हम नया ले आएंगे तो हमारे पास बिल्कुल सारी टीम नहीं हो जाएगी, हमारी पुरानी टीम का भी जो है वो कोई उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की हुई, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया जो बहुत बड़ा इवेंट है, एक हमने 3 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, 3 सिल्वर जीते हुए हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं हमारे पास और आज हम जो हैं वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किए, ये हमारे लिए बहुत जो है वो ये नहीं कह सकते इसको, हम ये सोच के बैठ नहीं सकते। आई थिंक इस पर हम लोगों को ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन की ये स्पिरिट होती है कि आपने जो है वो डिसाइड नहीं होना, इन चीज़ों को आप देखें और गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक ऐसा है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, बहुत बड़े लेजेंड हैं स्पोर्ट्स के, अभी पूरी उम्मीद थी कि आएंगे और हम हॉकी के लिए कुछ करेंगे, स्पोर्ट्स के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा पैगाम है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के लिए कि कौमी खेल हॉकी को सरपरस्ती मिले, खिलाड़ियों की हम आखिरी नंबर पर हैं इस वक्त, आपके लिए भी शर्मिंदगी की बात है, जब आप दुनिया में जाते हैं तो आपको पता बताता है कोई कि ये आखिरी नंबर पे हम आ चुके हैं, तो फिर आपके लिए भी शर्मिंदगी है, हमारे लिए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, उसके बावजूद भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। आपको भी याद होगा कि किसी ज़माने में पाकिस्तान में सिवाय हॉकी के कोई गेम नज़र नहीं आती थी, उस वक्त क्रिकेट भी नंबर 2 पे थी, उसके बाद जब क्रिकेट में पैसा आया आप देखें क्रिकेट किधर चली गई है, हॉकी में पैसा किधर नहीं, पैसा तो कहीं दूर की बात है, जॉब्स भी चली गई। एक फैक्टर बहुत बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो हमें ये साइडबैक मिला है कि वो जो डिपार्टमेंटों ने टीमें बंद कर दी, सबसे मेन इशू है क्योंकि जैसे जैसे महंगाई आई है घरों में प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई हैं और जॉब्स भी मिल रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जॉब के लिए भाग रहे हैं। जब हमारा ज़माना था पाकिस्तान में लड़का होता था उसके उसी शाम 3-4 डिपार्टमेंट उसके पीछे होते थे, उसके पास चॉइस होती थी कि हम कौन से डिपार्टमेंट में जाएं। अब किसी के पास चॉइस क्या, जॉब ही नहीं है, जब जॉब नहीं होगी जो मर्जी कर ले कुछ नहीं होगा। थैंक्स गॉड के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ग्रास रूट पर खुद नेचुरल प्लेयर बहुत से आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर इस पर तवज्जा दे, डिपार्टमेंट्स बहाल हो जाएँ, PIA, कस्टम, रेलवे, सारे बैंक्स बहाल हो जाएँ और वेरी सून बड़ी जल्दी हम भी विक्ट्री स्टैंड के नज़दीक पहुँच जाएंगे। आखिरी मैच हमें 1992 में जीता था हॉकी का, ठीक है इतने साल हो गए हैं हम लोग हॉकी का कोई एक मैच नहीं जीत सके, इतने सालों में कोई एक मेडल नहीं हम ला सके हॉकी में। जी बिल्कुल, ये तो एक अलमिया ना, इस पर तो सोचना पड़ेगा। अब इस पर अगर गौर करें ना आप देखें मैनेजमेंट कौन सी आई वहाँ पे, अगर आप पीछे चले 92 का जो वर्ल्ड का पाकिस्तान जीता शायद वो प्लेंटी स्ट्रोक्स पे हुआ था, हमने भी वो मैच देखा था और उसके बाद आप देखें जब हॉकी में जब मैनेजमेंट आती है वो कैसे रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में। अब हुआ गया है स्कूल और कॉलेज लेवल पे हॉकी वगैरह ख़त्म कर दी गई, आजकल तो खैर क्रिकेट भी बहुत कम है स्कूल उस लेवल पे,
वहाँ जब आप रोस्ट रूट पे ख़त्म कर देंगे तो नया प्लेयर कहाँ से आएगा, आप कैसे लाएंगे उसे, क्लबों को प्रमोट करना चाहिए हॉकी की।